भाई बेटा है मेरा, बाप को भी अधिकार है प्रेजेंटेबल लगने का। और ये जो साड़ी आपने पहन रखी है इसे बदलिए, इसका कलर मेरी शेरवानी से मैच नहीं कर रहा है। माय डैड, ये कोई वक्त है? परिवार के लोगों को मेहमानों से पहले पहुंचना चाहिए। यू नो व्हाट, नो, मुझे कोई वजह मत बताइए। एंड नवीन, कैन यू जस्ट लुक आफ्टर ऑल द डांसर्स एंड द बैंड एंड एवरीथिंग? यार, हेलो नंदनी। हाय सर, आई हैव टू से दैट यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच। Everything. Yeah. ये क्या है? वो बकेट है सर। हिंदी में बात कीजिए। बस्ता है सर। इतना बड़ा क्यों लाया? वो छोटा मिला नहीं सर। छोटा मिला होता तो छोटा ले आते। जी सर। यानी मेरे बेटे की सगाई में आप एक छोटा गुलदस्ता लाए? नहीं सर, वो मैं तो इससे भी बड़ा लाने वाला। तो लाए क्यों नहीं? जी मिला नहीं सर। मिला नहीं या लाना नहीं चाहते? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो जय सर की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। अच्छा, मेरी नहीं। सच बोलिए, किसकी इज्जत ज्यादा कर, मेरी या जय की? सोडा ने नहीं, पांडे ने करवाया। What? अगर आप ये नहीं जानते तो हो सकता है आप ये भी नहीं जानते होंगे कि खन्ना हुडा का नहीं, आपके अपने बेटे जय का आदमी था। और नवीन ने भी जय का साथ दिया। तुम किस किस पे इल्जाम लगा रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं सर, बेवकूफ। और सिर्फ मैं ही नहीं, इंडिया 21st के इस सर्कस में पूरा देश बेवकूफ बनकर घूम रहा है। पिछले 10 सालों से मैं आपको देख रहा हूं, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप ही से इंस्पायर होकर मैं जर्नलिस्ट बना। और आज ऐसा वक्त आ गया कि मैं आप पर शक करने लगा हूँ। पर क्या करूँ सर, जो सबूत मेरे हाथ लगा उसके बाद मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मुझे लगा आप भी इस बेईमानी में शामिल हो, या फिर आपने अपने बेटे जय पर यकीन कर लिया। बिना सही सबूत किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, आप ही से सीखा है सर, इसलिए मैं आपके लिए एक सबूत लेके आया हूँ। हो सकता है इसमें आपको ऐसा कुछ दिख जाए जो आपको पहले से नहीं पता, या हो सकता है इसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो आप पहले से नहीं जानते। अगर आप इसे कचरा समझकर फेंक देना चाहते तो फेंक दीजिए, जला देना चाहते तो जला दीजिए। मैं आज तक समझता था कि सच को सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता, मगर अब नहीं। इसलिए आपके किसी भी फैसले से मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। मैं हार चुका हूँ सर, इसीलिए मैं इंडिया 24/7 ही नहीं, जर्नलिज्म भी छोड़ रहा हूं। सोचा मैंने पांडे को एक्सपोज करके क्या मिलेगा,
दस बारह दिन की टीआरपीज, यस हमारा चैनल नंबर वन हो जाएगा, लेकिन 500 करोड़ के सामने क्या है? चौंक गए ना, 500 करोड़, गॉड, बहुत पैसे होते हैं 500 करोड़, और इसमें अगर देश का पीएम खिलाड़ी निकले तो 5 साल के टेस्ट मैच में कितना कमा सकता है? और इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो मुंह खोलकर मांग लिया जो मुझे मांगना था, लेकिन सोचो ये पांडे इतने पैसे देने को तैयार क्यों? भाई मैं बताता हूं, क्योंकि बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का छोटा सा स्कैम भी बहुत सारे पैसे, हजारों करोड़ रुपए में जाता है। तो बेचारा हुडा तो सही में देश की सुरक्षा के लिए वो बिल पास करवाना चाह रहा था, लेकिन पांडे उसी बिल को पकड़ के देश का राजा बन जाएगा। इट्स अ फैंटास्टिक गेम। पांडे के पीएम बनती नवीन शंकलिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसे घुमाएगा कि फायदा उसे और सिर्फ उसे ही हो। रही जय मलिक की बात, पांडे के लोगों ने दुबे को गन पॉइंट पे रखा और जय मलिक ने खुद खन्ना और दुबे को उस टेप में डायरेक्ट किया। सीढ़ी कहां से मिली थी? किसी ने भेजा डायरेक्टर सुमयावी, पर हमारा काम है जो सच हमें मिलता है उसे सबके सामने लाना, बस। ना मेरे लिए ना खुद के लिए। You owe this to the country, Dad. बधाई हो विजय बाबू, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी। आज अगर मोहन पांडे को देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ आपकी मेहरबानी। सच। अब देखिए ना, हम तो कह रहे थे कि थोड़ा पाखंडी है, लेकिन हमारी बात पर किसी ने विश्वास ही नहीं किया, आपने भी नहीं। ये तो जय को सही वक्त पर सबूत मिल गए। वैसे विजय जी, हमने शपथ ग्रहण विधि के लिए उसी जगह को चुना है जहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ था, ताकि जनता को आश्वासन पहुंचे कि मोहन पांडे के शासन काल में वो सब नहीं होगा जो हुडा की सरकार ने होने दिया। आज पूरी देश की जनता हमारे साथ है, और सिर्फ मेरी नहीं, पूरी जनता की भी यही इच्छा है कि विजय हर्षवर्धन मलिक खुद अपने शो पर मोहन पांडे जी का शपथ ग्रहण विधि प्रस्तुत करें।